दिल्ली की दंगों की मंथरा और शकुनी भाजपा के वो सब नेता थे जिन्होंने जहरीले बयान दिए, अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, गिरिराज सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या कपिल मिश्रा हो, इन सब लोगों ने दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक बयान दिए और एक संप्रदाय के अंदर दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत भरी और खुल्लम खुल्ला भरी। सबसे पहला टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आज तक कभी भी लगता नहीं था। अब दिल्ली के अंदर जितने भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इन सब लोगों को प्रतिमाह लगभग 200 रुपए इन करप्ट भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। पहला टैक्स उन्होंने बढ़ाया। दूसरा टैक्स वो बढ़ाने ला रहे हैं बिजली के ऊपर। दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो बिजली के टैक्स पे जो हिस्सा होता है उसको वो बढ़ाने जा रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली के अंदर, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देती है, उस बिजली के रेट को बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल ला रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। मैं राहुल सैनी, उस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, हम आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हमारा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है और हमारा उद्देश्य है जो भी सच होता है वो समाज के सामने लेके आना है। अगर आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक कोई भी मुद्दा हो, कोई भी भविष्यवाणी हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हो। हम अपने चैनल पे उस वीडियो को जरूर दिखाएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्त। के अंदर फरवरी के महीने में दिल्ली चुनाव के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्पेसिफिकली बड़े लेवल पे दंगे हुए और जब हम गुजरात के दंगों के बारे में चर्चा करते हैं, मेरे जैसे लोग जो लोग दिल्ली में रहे, दिल्ली में पले बड़े, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये विजुलाइज करना, ये सोचना कि कैसे हो सकता है कि दो समुदाय के लोग जो अपने आसपास रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक ही स्कूलों में जाते हैं, एक ही सिनेमाघरों में पिक्चरें देखते हैं, कैसे होता है कि ये दो समुदायों के लोग इस तरह से हैवान हो जाएं कि वो एक दूसरे की हत्याएं कर दें, एक दूसरे के घरों की महिलाओं की इज्जत लूट लें, एक दूसरे को पेट्रोल से जला के जिंदा जला दें। मगर इस बार दिल्ली के अंदर, दिल्ली का वासी होने के नाते, हमने ये चीज अपने सामने होती हुई देखी है कि कैसे दिल्ली के अंदर धीरे 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 माहौल इतना खराब किया गया कि सब लोग, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, समाज सेवी, सब लोग फरवरी के महीने में ये कह सकते थे कि भाजपा के नेताओं ने एक तयबद्ध स्क्रिप्ट के अनुसार दिल्ली के माहौल को इतना सांप्रदायिक कर दिया, इतना जहरीला कर दिया, इतना दूषित कर दिया था कि अब कभी भी दिल्ली के अंदर दो समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। और ये जैसे अमित शाह जी की भाषा के अंदर क्रोनोलॉजी को समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि कैसे ये क्रोनोलॉजी हुई। जब भी हम बड़े बड़े युद्धों की बात करते हैं, हम कहते हैं महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई थी सत्ता को लेकर। रामायण में भगवान राम को वनवास क्यों हुआ, राजा दशरथ ने कहा था कि आप वनवास पे जाओ, इसलिए वनवास हुआ। मगर अगर क्रोनोलॉजी को देखें
तो भगवान राम को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि केकई माता के पास एक महिला थी मंथरा, जो पूरे दिन केकई के दिल में नफरत भरती थी, राम के खिलाफ नफरत भरती थी, भरत के लिए प्यार भरती थी। और मंथरा ने इतनी नफरत भरी, इतनी नफरत भरी कि राम, भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा। नाम केकई का ही आता है, मगर क्रोनोलॉजी समझेंगे तो मंथरा थी। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, मगर क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो उसमें भी एक दूषित आदमी था जिसने हर वक्त जहर भरा, वो थे गंधर्व के राजा शकुनी, गांधारी के भाई शकुनी, दुर्योधन के मामा शकुनी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी दुर्योधन के मन में और कौरवों के मन में पांडवों के लिए, सिर्फ नफरत भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, और अंततः युद्ध हुआ। तो दिल्ली के दंगों की मंथरा और दिल्ली के दंगों का शकुनी कौन था? मुझे लगता है दिल्ली को समझने वाला एक एक आदमी कह सकता है कि दिल्ली की दंगों की मंथरा और शकुनी भाजपा के वो सब नेता थे जिन्होंने जहरीले बयान दिए, अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, गिरिराज सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, या कपिल मिश्रा हो, इन सब लोगों ने दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक बयान दिए और एक संप्रदाय के अंदर दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत भरी और खुल्लम खुल्ला भरी। खूब टीवी पे रिपोर्ट हुआ, खूब अखबारों में रिपोर्ट हुआ। और आज जब यह बात सामने आ रही है कि शाहीन बाग के ऊपर जो लोग बैठे थे, जो लोग प्रमुखता से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को चला रहे थे, वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो यह बात साफ हो जाती है, ये साफ हो जाती है कि इन्हीं के लोग इस तरफ हिंदुओं को भड़का रहे थे और इन्हीं के लोग उस तरफ शाहीन बाग में मुसलमानों को भड़का रहे थे, और दंगा कराने के अंदर इन लोगों की और भाजपा की प्रमुख जिम्मेदारी है। हम ये मांग करते हैं ये सब लोग प्रमुख नेता जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है, बताया जाता है कि करीब 50 बड़े बड़े नेताओं ने, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के नेताओं ने जो भाजपा को ज्वाइनिंग करी है, उन सब की जांच होनी चाहिए। वे पिछले 3 महीने से किन किन भाजपा के नेताओं के संपर्क में थे, भाजपा के नेताओं से उनको क्या डायरेक्शंस मिलती थी, और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कराने में और उसको जारी रखने में उनकी क्या भूमिकाएं थी। एक बात और मैं करके अपनी बात खत्म करता हूं। दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक वक्त ऐसा आया, चुनाव भाजपा हार चुकी थी, शाहीन बाग का पूरा माहौल खड़ा करने के बाद भी हार चुकी थी, तो एक वक्त ऐसा आया कि 23 फरवरी को प्रो एमटीसीए प्रोटेस्टर्स ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली सड़क के ऊपर धरना शुरू किया। यह 23 फरवरी की बात है, और मैं जो जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूं ये फैक्चुअल बातें हैं, ये वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि ये मेरी कहानी है, ये एक सबके द्वारा मानी गई घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके अंदर कोई जिक्र काल्पनिक नहीं है कोई भी घटना। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे एनटीसीए प्रोटेस्टर्स ने धरना शुरू किया, 22 फरवरी को ये शुरू किया, 23 फरवरी को 3:30 से 4 बजे के बीच में भाजपा के नेता और जहर से भरे हुए इंसान कपिल मिश्रा वहां पहुंचे और उन्होंने घटिया उग्र बातें कही, सांप्रदायिक बातें कही, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। ये बातें डीसीपी पुलिस के सामने कही गई, वीडियो पे रिकॉर्ड पे है, और धमकी दी कि अगर ये खाली नहीं हुआ तो इसके बाद वो इसको अपने हाथों में लेंगे। जब वो वहां पे थे 3:30 से 4 बजे तक, 4 बजे के करीब पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हो गई, और फिर रात को उसी दिन
9 बजे से 11 बजे तक झगड़े शुरू हो गए, ये 23 तारीख का वाकया है। 24 तारीख को प्रोसीए और एनटीसीए, मतलब पहले एनटीसीए के लोग बैठे थे, फिर प्रोसीए वाला भी एक ग्रुप वहां आके बैठ गया और ने कहा हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये दूसरा ग्रुप यहां से नहीं जाएगा, हटने से उन्होंने मना कर दिया। पुलिस मौजूद थी, सिचुएशन खराब हो रही थी, कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी कह सकता था कि अब यहां पे दंगे होने वाले हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर बहुत सारे दंगाई जिन्होंने मुंह पे नकाब लगा रखे थे, हाथों में तलवारें ले रखी थी, हाथों में पेट्रोल बम ले रखे थे, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उन्होंने वहां पे दंगा शुरू किया। उसके बाद आप सबको मालूम है 24 तारीख को दोपहर को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, गोकुलपुरी, कदमपुरी, सब जगह छोटे छोटे झगड़े दंगे शुरू हो गए। रात होते होते सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, कदमपुरी, बरबरपुर, गोकुलपुर, शिवपुरी, सब जगह दंगे शुरू हो गए। 25 तारीख को आरएफ बुलाई गई, फिर भी झगड़े दंगे खत्म नहीं हुए। 25 तारीख को ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये जो सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब क्योंकि इस मामले को काफी दिन हो गए हैं, हम शांति से दिल्ली वाले बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से भाजपा के लोग दोनों तरफ मौजूद थे, दंगा भड़काने वाले इस तरफ भी और शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट को भी उनके लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की और उसका फायदा अपनी राजनीति के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच हमारे एमसीडी के प्रभारी और हमारे पार्टी के सीनियर नेता भाई दुर्गेश पाठक जी एमसीडी उत्तरी नगर निगम के विषय में बात रखेंगे। अब यहाँ जाओ। धन्यवाद सौरभ भाई। ...2017 में जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ रही थी तो उसके दो मेन मुद्दे थे जिसके ऊपर वो दिल्ली की जनता को वादे पे वादा कर रही थी। उनका पहला इशू ये था कि, और वो खुद भी मान रहे थे कि लगभग 10 साल से दिल्ली में एमसीडी के अंदर उनकी सरकार थी और मनोज तिवारी जी और उनके लीडर्स ने माना कि जो हमारे काउंसलर हैं, जो कि लगभग 10 साल से काउंसलर बने हुए हैं, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे पड़े हुए हैं और जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं। और उन्होंने जनता, दिल्ली की जनता से माफी मांगी और कहा कि हम सारे पार्षदों की टिकट काट रहे हैं। और एक नारा वो लेके आए, नए चेहरे नई उड़ान। और उन्होंने कहा कि ये जो नई चेहरे हैं ये दिल्ली की जनता को एक नया उड़ान देंगे। दुर्भाग्य से ये नए चेहरे भ्रष्टाचार में पुराने चेहरों के बाप निकले। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरा वादा किया था और वो मनोज तिवारी जी का ही है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता के ऊपर कोई भी नया टैक्स नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे वो। ऐसा मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया। दुर्भाग्य से वो दोनों वादे झूठे निकले, दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा दिया और उसके बदले में दिल्ली की जनता को उन्होंने 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए जो कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और नाकामी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है दिल्ली के अंदर। साथियों, नॉर्थ एमसीडी की बात है, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ एमसीडी के अंदर इन्होंने कुछ टैक्स बढ़ाए, उस पर हम लोगों ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया।
लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नॉर्थ एमसीडी के अंदर चार नए टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आज तक कभी भी लगता नहीं था। अब दिल्ली के अंदर जितने भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इन सब लोगों को प्रति माह लगभग 200 रुपए इन करप्ट भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। पहला टैक्स उन्होंने बढ़ाया। दूसरा टैक्स वो बढ़ाने ला रहे हैं बिजली के ऊपर। दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो बिजली के टैक्स पे जो हिस्सा होता है उसको वो बढ़ाने जा रहे हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली के अंदर, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देती है, उस बिजली के रेट को बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल ला रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। तीसरा बिल जो कि सबसे खतरनाक है, हाउस टैक्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर नॉर्थ एमसीडी के अंदर अगर ये बिल पास हो गया तो सभी लोगों को 34% ज्यादा हाउस टैक्स देने पड़ेंगे। 34% ज्यादा हाउस टैक्स देने पड़ेंगे। ये तीसरा प्रस्ताव ये लेके आ रहे हैं। और इनका चौथा प्रस्ताव है ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर एक टैक्स ला रहे हैं, जिसके तहत अगर आप दिल्ली के अंदर मेरे जैसे, सौरभ भाई जैसे लोग, विकास भाई जैसे लोग, जो यंग लोग हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उनको उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे दिल्ली के अंदर जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा। ये चार नए टैक्स भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ एमसीडी के अंदर दिल्ली की जनता के ऊपर, ये चार टैक्स कल वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके आ रही है। जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली की जनता के ऊपर एक भी नया टैक्स नहीं लेके आएंगे, तो दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी का इससे ज्यादा बड़ा धोखा नहीं हो सकता। हम इस मंच से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कि ये बिल आप ना लेके आए, ये सारे प्रस्ताव आप ना लेके आए, अन्यथा भारतीय जनता, अन्यथा आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और इसका प्रोटेस्ट करेंगे, इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह पर लोगों को साथ में लेकर, दिल्ली की जनता को साथ में लेकर बीजेपी के नेताओं के इस कुकर्म का विरोध करेंगे। कल 2 बजे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है सिविक सेंटर में। आम आदमी पार्टी अपने काउंसलरों के माध्यम से, अपने पार्षद और नेताओं के माध्यम से कल उस हॉल के अंदर, जिस हॉल के अंदर ये मीटिंग होती है, उस हॉल के बाहर हम 1 बजे से धरने पे बैठेंगे। और हमारी मांग यही है कि ये चारों के चारों बिल, ये चारों के चारों प्रस्ताव जो है उसे वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।